कैसे हैं आप सब दोस्तों? दोस्तों आज खुशी हैप्पी ब्लॉग में एक नया डिश बनाने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है आटे का लड्डू। कहने के लिए तो आटे का लड्डू एक सिंपल हो गया, लेकिन इसको सिंपल बिल्कुल नहीं समझिए दोस्तों। और बच्चों की फरमाइश पे ये बना रही हूँ मैं लड्डू, उन लोगों को पसंद है इसलिए आज मेहनत तो बहुत है दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। और आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं दोस्तों। सबसे पहले ये गेहूं का आटा हो गया, 1.5 किलो के हिसाब से गेहूं का आटा ले लिया है। और दोस्तों इसमें जितना भी आप ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये इसमें देसी घी का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो देसी घी से हम लोग इसको आटे का लड्डू बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा छोटा मैंने नारियल कट कर लिया है। और ये गोंद है, गोंद देखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम इसको देसी घी में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा फूल के हो जाएगा। और थोड़ा बादाम ले लिया है, किशमिश है, काजू है, और इसमें दोस्तों पीसी चीनी डाली जाती है। चीनी को हमने पीस लिया है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा अखरोट भी ले लिया है दोस्तों। ये घी है, तो आज मैं घी से बनाऊंगी आटे का लड्डू। और इसमें जितना भी आप ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना वो अच्छा बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि माघ का महीना है और सर्दी जुखाम सब लोगों को हो रहा है, तो अब अगर हम ये सारी चीज़ों का लड्डू खाते हैं मिक्स करके ड्राई फ्रूट को, तो शरीर गर्म रहता है दोस्तों, तो इससे बीमारी नहीं होगा। और बाहर भी देख ही रहे हैं कि कोरोना है, और अंदर भी सर्दी जुखाम अगर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी गर्म चीज़ें हैं वो उसको मिला के इसको बनाया जाता है, और बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। मेहनत तो बहुत लगेगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे और बनाएंगे। बहुत तरीक़ों से बनता है दोस्तों, लेकिन मैं इसको आटे से बनाऊंगी। आटे को सबसे पहले देसी घी में मैं फ्राई कर लूंगी, और उसके बाद फिर जितना भी ड्राई फ्रूट है उस सबको घी में फ्राई करने के बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी। और कितने लोग तो बिल्कुल बारीक ग्राइंड करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा खुरदरा करूंगी कि जब हम उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट हमारे मुंह में पता चले। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ। तो चलिए गैस की तरफ। दोस्तों मैंने घी डाल दिया है, कढ़ाई को गर्म भी कर लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें आटा, तो आटा मैं नाप के डालूंगी दोस्तों, क्योंकि चीनी का मेजरमेंट बना रहेगा, इसीलिए मैं आटे को नापूंगी पहले। दोस्तों ये जो लड्डू बनता है ये सर्दियों के दिनों में बनता है, और इससे शरीर गर्म रहता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाहर बीमारी फैला हुआ है, तो अपने शरीर को गर्म रखना और इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए भी लोग इसे खाते हैं। और जैसे कि इसमें गोंद पड़ रहा है, तो जब गोंद पड़ रहा है तो जिसके कमर वगैरह में दर्द दोस्तों रहता है, तो अगर ये लड्डू खाता है तो उसका ठीक हो जाता है दोस्तों। बूढ़ा जवान बच्चा इस लड्डू को जो भी खाएगा उसके लिए फायदेमंद है। और इसे खाली घी में बनाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही हेल्दी है।
दोस्तों अगर आप मॉर्निंग में नाश्ता नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप इस लड्डू को मॉर्निंग के समय एक खा लेते हैं दूध के साथ तो आपको सारा मतलब बहुत ही ताजगी लगेगा और आपका पेट भरा भरा सा रहेगा, ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी पड़ी है और सारा ड्राई फ्रूट पड़ा है तो ले दे के बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। इसी खुशी हैप्पी ब्लॉग में ही मैंने एक तीसी का लड्डू भी बनाया था, जो कि वो वाला वीडियो मेरा बहुत ही फेवरेट था, लेकिन वो डिलीट हो गया दोस्तों। वो भी बहुत ही हेल्दी था और गर्म था, तो सर्दियों के दिनों में ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि बच्चों को प्रोटीन वगैरह मिलता रहे और वो लोग खाते रहें। बच्चों के लिए कुछ भी बना सकती हूँ मैं दोस्तों। देखिए हमने आटे को फ्राई कर लिया है, बहुत ही सोनी सोनी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम लोग चलेंगे ड्राई फ्रूट की तरफ, खूब अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसमें से सुगंध ना आ जाए। मैंने 1.5 किलो आटा 2 बार में फ्राई किया है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करें ताकि अंदर से जले ना और इसमें से सोनी सोनी खुशबू है, क्योंकि इसमें घी डाल के किया है तो बहुत ही ये हो चुका है। चलिए अब आगे की तरफ दोस्तों, अब एक एक करके हम सबको फ्राई करेंगे। फ्राई करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई होता है और फिर उसको निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं नारियल फ्राई करूँगी, हमारा घी गर्म हो चुका है। जल्दी जल्दी निकालना है दोस्तों, तो कोई भी चीज़ को ज़्यादा गर्म करके उसका टेस्ट को भगाना नहीं है, सेलो फ्राई करना है, जो कि टेस्ट भी बना रहे, सुगंध भी बना रहे और आपको खाने में भी अच्छा लगे दोस्तों। दोस्तों अलविदा, सबसे पहले जब ड्राई फ्रूट आया था तो सबसे पहले इसको धूप में सुखा ली हूँ ताकि क्रिस्पी रहे और गर्म होने के बाद उस खाने में भी अच्छा लगे, और फ्राई करने के बाद तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों किशमिश को तो बहुत ही ध्यान से फ्राई करना पड़ता है, जैसे ही डालिए वैसे ही निकालिए, नहीं तो इसका जलने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसको मैं सिम आँच में फ्राई करूँगी और आप देखिए मैं तुरंत ही इसको निकालूँगी। दोस्तों यही सब टिप्स है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको बनाने के समय अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपका लड्डू स्वादिष्ट और डिलीशियस बनेगा। देखिए दोस्तों ये किशमिश हमारा फूल गया है और अब मैं गैस को बंद करके और इसको निकालूंगी ताकि ये जले ना। मम्मी दिस इज फॉर हेल्थ, दैट इज फॉर बॉडी। ये देखिए दोस्तों, जलना नहीं चाहिए, किशमिश फूला हो चलेगा लेकिन जल पास से दिखाओ खुशबू। ये देखिए दोस्तों कैसे फूल गया है, ऐसे ही आपका भी किशमिश फूलना चाहिए। कैसा लगा खुशबू? अच्छा लगा। तो यही सब छोटी छोटी टिप्स हैं और आप लोग भी अप्लाई करिए और अच्छे से बनाइए, और किशमिश के समय तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मतलब तुरंत डालें और गर्म घी में और तुरंत ही निकाल दें। मैंने गैस ही बंद कर दिया है कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो किशमिश के समय। दोस्तों अब ये जो चीज़ मैं डालने वाली हूँ, दिखा ना, ये जो चीज़ मैं डालने वाली हूँ ये बिल्कुल इसका चेहरा ब्रेन की तरह है, और जब आप इसको खाएंगे तो आपका ब्रेन ठीक रहेगा। इसको क्या बोलते हैं खुशबू? अखरोट। अखरोट, तो थोड़ा सा अखरोट का भी इंतज़ाम किया गया है। देखिए अब मैं अखरोट डाल रही हूँ, इसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है दोस्तों,
ये सब चीज़ें अच्छी हैं और थोड़ा सा भी फ्राई कर देंगे तो मतलब क्रिस्पी हो जाएंगी और लड्डू को बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा डर मुझे किशमिश में ही लगता है और किसी चीज़ में नहीं। तो किशमिश अगर अच्छे से हो गया तो ये सब तो मैं तुरंत ही निकाल देती हूँ। तेल में अगर आवाज़ कर रहा है तो इसका मतलब हो गया है, आवाज़ कर रहा है, हो गया है। मेरा भी ओके है। यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग सिर्फ लड्डू के ऊपर ध्यान दीजिए। ये देखिए किसी भी चीज़ को मैंने जलाया नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने प्यार से मैं बना रही हूँ, मन से। दोस्तों अब आई है गोंद की बारी। दोस्तों गोंद मोटा भी मिलता है और पतला भी मिलता है, तो मैंने तो पतला ही चुना है, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे दोस्तों तो ये बिल्कुल गोल गोल हो जाएगा। कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है और सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। कभी कभी सर्दियों के दिनों में खाना चाहिए हमेशा बना के। हलवारा में थे तो बहुत ही ज़्यादा, पंजाब में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, तो वहीं पे मैंने ये सीखा था बनाना लड्डू, पहली बार मैंने वहीं पे बनाया था। बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों, सर्दी के लिए लाजवाब। थोड़ा थोड़ा करके तलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा। देखिए मैंने तल दिया है, इसको देखने से आपको लगेगा कि लावा है लेकिन ये गोंद है दोस्तों। ये देखिए बड़ा वाला लेते तो इतना बड़ा बड़ा होता और गोल होता, छोटा ही है, इसको तो ग्राइंड करना है दोस्तों। दोस्तों जितना भी प्लेट में ड्राई फ्रूट था सबको फ्राई कर लिया है और इसमें आपको काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, गोंद, आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। दरदरा ही रखूंगी ताकि खाने में उसका टेस्ट आए। दोस्तों आटा को पूरा फ्राई कर दिया है और ड्राई फ्रूट को भी घी में फ्राई करके और इसको ग्राइंड कर दिया है। इसमें काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, गोंद सब कुछ है दोस्तों। यही हो गया है कभी आधा किलो से ज़्यादा। अभी सबको हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे आटे के लड्डू में। और आप देख सकते हैं ये सब मिक्स हो जाएगा और अब इसमें हम लोग चीनी डालेंगे। दोस्तों हमारा आटा 1.5 केजी था, करीब आधा किलो इसमें ड्राई फ्रूट हो गया था, तो 2 किलो में कम से कम हम लोग 2 किलो से थोड़ा कम चीनी डालेंगे। ये सब चीज़ें जो भी हैं इस सब को मिक्स कर लेंगे दोस्तों अपने नरम नरम हाथों से, जैसे कि खुशबू मिक्स कर रही है दोस्तों। और ये बनाने के लिए बड़ा सा बर्तन चाहिए दोस्तों। मैंने स्टील का बर्तन इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि स्टील का बर्तन अगर हम लोग हाथ में लेते तो जलता,
तो प्लास्टिक का बर्तन का यूज़ किया है और इसमें हाथ भी नहीं जलेगा और लड्डू भी अच्छा से बन जाएगा। तो आप लोग जब भी बनाएं तो बड़ा बर्तन में। और फ्रेंड्स ठंड का टाइम है तो इसे बना के आप महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों महीने से महीने भर से भी ज़्यादा दोस्तों, ये ख़राब नहीं होता है, इसका टेस्ट वैसे का वैसा ही बना रहता है दोस्तों। और फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी होता है, अगर पैर में दर्द है तो आप मॉर्निंग में खाली पेट 2 लड्डू ये ले लीजिए और 1 गिलास दूध ले लीजिए, फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छा और हेल्दी लड्डू है ये। घी को ऑलरेडी गर्म कर लिया है दोस्तों और इसमें घी डाल के हो गया, मैं लड्डू को बनाएंगे ऐसे ऐसे करके दोस्तों, ताकि घी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए और लड्डू भी अच्छा बन जाए। इसमें पानी का यूज़ नहीं होता है दोस्तों, चाशनी भी नहीं करना पड़ता है, सारा लड्डू घी की मदद से ही बनाया जाता है। गर्मी में अगर आप बनाएंगे तो ये लड्डू नहीं बनेगा, सर्दी में ही बनता है दोस्तों। फ्रेंड्स हमारे यहाँ जब हर साल जब भी लड्डू बनता है, हर साल ठंड में लड्डू बनता है, कभी तीसी का लड्डू बन जाता है, कभी गोंद का लड्डू बनता है, तो कभी कभी माँ हमेशा हर साल बनाती हैं और बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि तो इसमें जो भी सामान है वो सब बहुत ही पौष्टिक चीज़ ही इसमें डाले गए हैं, तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए खाइए। तो दोस्तों लड्डू की बरसात चालू है दोस्तों, ये लड्डू जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं एक चैनल की क्रिएटर के लिए मैंने बनाया बड़ा सा लड्डू, कैसा लग रहा है दोस्तों, दिखाई दिखाई माँ, बाप ये है बाजार का लड्डू जो होता है, ये घर में बनाने का सेंस, लड्डू बनाने का एक फायदा ये भी होता है कि ये समूह का, देखिए फ्रेंड्स समूह का है, ये उल्टा है, उल्टा है और ये सीधा है। घर में लड्डू बनाने का फ्रेंड्स यही फायदा होता है कि अपने मन के अकॉर्डिंग हम उसे आकार देते हैं, बड़ा मन का तो बड़ा दिखा खुशबू के मुंह के आकार का मैंने लड्डू बनाया है। और देखिए फ्रेंड्स लड्डू जो बन रहा है तो घर के सभी मेंबर सहयोग कर रहे हैं, खाने में भी बहुत मजा आएगा। और ये स्पेशल टाइप का लड्डू आप वैसे बना सकते हैं, दिखाना नीचे। शो में हैंड की कलाकार, ये देखिए ऐसे अगर आप लड्डू बनाते हैं तो बिल्कुल ही गोल बनता है और इसमें एक भी लाइनिंग नहीं रहेगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये माँ के हाथ का लड्डू बनके तैयार है, अब खा के बताऊंगी कि कैसा बना है। और देख सकते हैं जैसे बाजार में जैसे एकदम हूबहू वैसा ही बना है और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी भी होगा। तो पहले माँ खा के दिखाएंगी, माँ खुशबू खाएंगी दोस्तों, और खुशबू ने डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है काजू और बादाम से, जो कि आप देख सकते हैं एकदम नजदीक से मैं दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, कितना चिकना बना है। फ्रेंड्स अब हो गया है खाने का बारी, तो खा के दिखती हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं काजू खाऊंगी बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों लड्डू तो बन के तैयार हो गया, मेहनत भी खूब लगा है। तो अगर कभी भी मौका आप लोगों को मिले तो छोटे के साथ छोटे से भी सीख सकते हैं और बड़ा तो खैर सिखा ही सकता है। नई सोच और नई उमंग के साथ अब वीडियो का एंड करते हैं, और खुशी हैप्पी ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंजूसी मत करिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले दिन और लेकर। और दोस्तों रोज नए नए कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और नई अगले दिन एक नया व्लॉग लेकर एक नया रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।